शिक्षक संघ एलिमेंट्री सेकेंडरी टीचर एसोसिएशन का रेस्टा का राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मेलन का आयोजन राव मावी दादाबाड़ी कोटा में मुख्य अतिथि प्रदेश कांग्रेस कमेटी की प्रदेश सचिव राखी गौतम व प्रदेशाध्यक्ष मोहर सिंह सलावत की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। सम्मेलन की शुरुआत माँ सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्वलित व माल्यार्पण से हुई। विशिष्ट अतिथि उप महापौर पवन मीणा, जिला शिक्षा अधिकारी प्रदीप चौधरी, कांग्रेस युवा नेता शिवराज गुंजल, SCBEO रामचरण मीणा थे। अधिवेशन को संबोधित करते हुए प्रदेशाध्यक्ष मोहर सिंह सलावत ने कहा कि सरकार ने संघ की बहुप्रतीक्षित मांग पुरानी पेंशन योजना लागू कर दी, जो अच्छा निर्णय है, लेकिन संघ की प्रमुख मांग उप प्रधानाचार्य के 50% पदों पर सीधी भर्ती करने, राज्य के सभी कैडर के बंपर तबादले किए, लेकिन 85,000 तृतीय श्रेणी शिक्षकों 1 वर्ष से तबादला सूची का इंतजार कर रहे हैं। उनकी तबादला सूची जल्द जारी की जाए व शिक्षकों को BLO सहित किसी भी प्रकार के गैर शैक्षणिक कार्यों में नहीं लगाया जाए। कार्यक्रम संयोजक कोटा जिलाध्यक्ष परमानंद गोठवाल व नवल सिंह मीणा ने कहा कि 2 सत्रों की वरिष्ठ अध्यापक से व्याख्याता पदोन्नति जल्द करवाने, स्टाफिंग पैटर्न की समीक्षा करवाने, हिंदी अंग्रेजी अनिवार्य विषय के व्याख्याता के पद स्वीकृत करवाने, वरिष्ठ अध्यापकों के तबादला होने पर वरिष्ठता विलोपन नहीं करने, सत्र 2012 से 13 की वरिष्ठ अध्यापक से व्याख्याता पात्रता सूची पूर्व की भांति बनाने, सभी मॉडल स्कूलों में पूर्व प्राथमिक व प्राथमिक कक्षाओं का संचालन शुरू करवाने, मॉडल स्कूलों का समय अन्य स्कूलों की तरह करने, मॉडल स्कूलों में 5 वर्षों की सेवा होने पर इच्छित जगह पदस्थापन करने आदि मांगों पर मंथन हुआ व मांगों का मांग पत्र तैयार करके राज्य सरकार व विभाग को भिजवा कर जल्द समाधान की मांग की गई। पहले मैं माँ सरस्वती को नमन करता हूँ और हमारा जो संघ का मैन मोमेंटो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी को भी मैं नमन करता हूँ। और आज कोटा जिले में हमारे संगठन का तृतीय राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इसमें पधारे हुए सभी साथियों का, मेरी माता और बहनों का मैं संगठन की ओर से हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।